दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ई श्रम कार्ड को NSC की साइट पर कैसे लिंक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम आ चुके हैं ई श्रम कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पे देखिए, एक अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है नेशनल करियर सर्विस द्वारा। ट्विटर पे ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी गई कि नेशनल करियर सर्विस और ई श्रम कार्ड पोर्टल के लिंक होने से असंगठित मजदूरों के लिए खुलेगा रोजगार का द्वार। और उसके बाद इसके लिए कैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि ई श्रम कार्ड पंजीकृत मजदूरों को नेशनल करियर पोर्टल पे जो है इसका रोजगार पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये कंप्लीट जानकारी के लिए गूगल ओपन करें, गूगल में सर्च करें ऑनलाइन अपडेट stm.com, और यहाँ पे सरकारी योजना का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ई श्रम कार्ड NCS पोर्टल लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट जानकारी को गाइड की गई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आपको समझना होगा कि ये जो लिंक किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है, और NCS करियर पोर्टल क्या है, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या उद्देश्य है, इस पोर्टल का क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको लग सकता है ये कंप्लीट जानकारी बताई गई। देखिए, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, आधार कार्ड नहीं भी है, फिर भी आप कर सकते हैं, और एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस बताई गई है, डायरेक्ट आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको रीडायरेक्ट करेगा नेशनल करियर सर्विस का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पोर्टल पे। अब इस पोर्टल पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा जॉब स्पीकर, यानी आप जॉब खोज रहे हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि एक डॉक्यूमेंट आप दीजिए। डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास UNA नंबर है, या आपके पास ई श्रम कार्ड है, या पैन कार्ड है, या अदर है, कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ई श्रम कार्ड से बनाना बता रहे हैं तो ई श्रम कार्ड को सेलेक्ट करें, और जो भी आपका ई श्रम कार्ड नंबर होगा वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको डालना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी नंबर ई श्रम कार्ड से लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा गया होगा, OTP को डालने के बाद एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल आपके ई श्रम कार्ड के अनुसार ले लेगा। उसके बाद कुछ डिटेल आपको यहाँ पे डालने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपका यहाँ पे जो भी स्टेट होगा वो सिलेक्ट रहेगा, जो भी आपका जिला होगा जिला को यहाँ से चयन करेंगे। फिर यहाँ पे गार्जियन के तौर पे फादर का नाम देना चाहते हैं तो फादर का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। आपका हायर एजुकेशन जो भी होगा, जो कि आपने इस श्रम कार्ड पे डाला होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा। पासवर्ड जो है इस प्रकार सेट करें जिसमें एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। फिर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि यूजर नेम आप किसको बनाना चाहते हैं। आप चाहे तो अपने ई श्रम कार्ड ID को भी बना सकते हैं, या ईमेल आईडी जो भी आपने दिया उसको भी बना सकते हैं, या NCS आईडी को भी आप बना सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी बनाना है सेलेक्ट करेंगे, और एम्प्लॉय स्टेटस में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप किसी भी प्रकार के जॉब करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं जॉब करते तो अनएम्प्लॉयड आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्किल आपके बारे में पूछा जाता है। देखिए, रोजगार इसी अनुसार मिलेगा, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का काम जानते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप डाटा एंट्री का काम जानते हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है डाटा एंट्री, आपको इस प्रकार लिख देना। फिर अगर एक से अधिक काम जानते हैं तो कॉमा लगा दीजिएगा। फिर उसके अलावे भी अगर जो काम आप जानते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे फार्मर का काम जानते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार जितने सारे स्किल होंगे कॉमा लगा कर आपको ऐड कर देना, ताकि इस अकॉर्डिंग जहाँ भी अगर जॉब हो रहा होगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको मेल कर दिया जाएगा, आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बता देंगे कि कैसे आप चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ये जॉब चल रही है। नीचे आएंगे, अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल जॉब के लिए भी अप्लाई करना तो यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे, उसके बाद आपको ये कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा डालेंगे। फिर यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को यहाँ डालें, उसके बाद वेरीफाई करें। फिर आप जो भी ईमेल आईडी आपने दिया है उस ईमेल आईडी पे भी एक OTP गया होगा, उस OTP को डालें, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का, आपको इस पर क्लिक करना है।
उसके बाद जॉब खोजने के लिए आप यहीं पे आएंगे। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड जॉब, जहाँ पे आप जॉब भी खोज सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप मेल के लिए जॉब खोजना चाहते हैं, फीमेल के लिए या एक सर्विस मैन के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हैं या आपको फुल टाइम जॉब चाहिए या पार्टनरशिप में चाहिए, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को जिस प्रकार का जॉब चाहिए, अगर मान लीजिए आपको डाटा एंट्री का जॉब चाहिए तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डाटा एंट्री, आपको इस प्रकार लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा कि किस स्टेट के लिए आपको ये जॉब चाहिए, इस प्रकार उस स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर जो भी एक्सपीरियंस अगर आपको पास है तो ये बता सकते हैं, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं या जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको सर्च का, सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस एरिया में अगर इस प्रकार का डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आवश्यकता होगी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो लोकेशन आपने बिहार को सिलेक्ट किया था, तो बिहार में जहाँ जहाँ चलाए जा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे बंधन बैंक में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके लिए सैलरी आपको यहाँ पे बताएगी कि सैलरी ये आपको एनुअली है, जो कि साल का इतना सैलरी आपको देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आपको सारी जानकारी बताइए और कहाँ जॉब लोकेशन है ये भी आपको मेंशन है, और आप यहाँ पे कॉल करके भी अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे एक्सिस बैंक में भी है इस प्रकार का डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता, तो यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अप्लाई का, आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको आईडी पासवर्ड मिला होगा जो आपने बनाया होगा, अगर मान लीजिए आपने ईमेल आईडी दिया होगा तो उस ईमेल आईडी को डाल ले, पासवर्ड जो भी बनाया है वो डाले, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करें। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपने जब भी अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए, अगर आपको चेक करना है कि आपका क्या रिकॉर्ड है, यानी आपको सिलेक्शन हुआ या नहीं, तो यहाँ पे जॉब स्पीकर वाले पे जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको नीचे में सारा स्टेटस आपका दिखा देगा और यहीं से आप जॉब भी खोज सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी भी आपको लगता है कुछ डिटेल अपडेट करना चाहिए तो यहाँ पे आपको अपडेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप अपडेट करेंगे, आपका प्रोफाइल अभी 80% कम्प्लीट हुआ है, आप इसको पूरा कम्प्लीट कर लेंगे। जो भी जानकारी अभी नहीं फिलअप हुआ है उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको हमने बोला था कि आपको एक आईडी कार्ड मिलता है जो वैलिड माना जाता है, जो कि पता चलता है प्रमाणित होता है, जो नेशनल करियर पोर्टल है जिस पे आप रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार आपका जो है NCS का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इस कार्ड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो हमने नेशनल करियर सर्विस का जो भी उपयोग है इस पोर्टल का, सारा उपयोग आप